श्री चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला द्वारा आजीविका सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्रतिभागियों के लिए स्वरोजगार सृजन हेतु फल सब्जी प्रसंस्करण एवं अचार बनाने विषय पर 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पलवल व मेवात जिलों के विभिन्न गाँवों की 30 अनुसूचित जाति की प्रतिभागी भाग ले रही है। विज्ञान केंद्र के प्रमुख विस्तार विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रणवीर सैनिक ने कहा कि विश्व में भारत का फल सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान होने, प्रसंस्कृत फल सब्जी उत्पादों की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग व प्रसंस्कृत उत्पादों की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद भारत के कुल फल सब्जी उत्पादन का मात्र 3-4% ही प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए भविष्य में इसकी अपार संभावनाएं हैं और यह अत्यंत लाभकारी व्यवसाय है। उन्होंने महिलाओं को आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए प्रीकिंग की मैनुअल व मशीन द्वारा विधि प्रदर्शित की तथा आंवले का मुरब्बा और कैंडी बनाने सिखाए। उन्होंने कहा कि फल सब्जी के पौष्टिक खाद्य उत्पाद बनाने के बाद भंडारण के दौरान अनेक सूक्ष्म जीव जैसे फफूंदी, बैक्टीरिया, मोल्ड आदि इन्हें खराब कर देते हैं, जिनसे बचाने के लिए उपयुक्त मात्रा में सिफारिश किए गए परिरक्षकों का प्रयोग करना चाहिए और प्रसंस्करण के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम भी एफपीओ 1955 के जो प्रावधान है कि भी गाजर का अचार बनाएंगे तो उसमें गाजर के टुकड़े कितने होने चाहिए, मिर्च कितनी होनी चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना होना चाहिए, यानी कि जो उसकी संरचना है उत्पाद की उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती है उनके लिए मापदंड निर्धारित है, फिक्स है। नमक की मात्रा इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिर्च इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें गाजर के टुकड़े कम से कम 1 किलो में से 900 ग्राम से कम नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से सब चीजों के नियम फिक्स है, उनकी अनुपालना जो भी बना के ये चीजें बेचेगा, चाहे अपने गांव में जाके ये ट्रेनिंग लेके आप बना के बेचना शुरू करेंगे तो आपको भी उन नियमों की पालना करनी है, या मैगी और किसान जैसे बड़े बड़े बनाने वाले उद्योगपति बैठे हैं वो बेच रहे हैं, वो भी इन नियमों की विधिवत अनुपालना करते हैं, नहीं तो पेनल्टी का भी प्रावधान है और पेनल्टी के बाद भी कोई अगर नहीं मानता तो फिर उसका सरकार जो है लाइसेंस रद्द कर देती है।